इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था, थोड़ा मजा लिया जाए, एंटरटेन किया जाए ना। हाँ, ये और आप ये नहीं कहना, ये मत समझना कि मैंने अफरोज भाई की इंसल्ट करी है या कुछ ऐसा ना, सही बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा एंजॉय और मजे करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान सीरियस हो गए तो हर कोई गलत, मजे करके काम करो उसमें एक अलग ही मजा आता है। तो पीछे देख सकते हैं यहाँ पे शर्मा जी अच्छे से बिल्कुल डबल क्रॉस चेक कर रहे हैं उसको, एक एक चीज को। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। अभी तक का हमने देखा है कि कैसे हम हेड और ब्लॉक खोला जाता है। तो अभी तक का प्रोसेसर आपने देख चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में इसका पहला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं कैसे हमने खोला है। और अब हम करने वाले हैं पिस्टन की, कि आखिर पिस्टन के रिंग किस तरीके से बिठाए जाते हैं या पिस्टन के रिंग की जो सेटिंग होती है वो किस तरह रखी जाए जिससे कि ऑयल ऊपर ना आए या जो वाइट स्मोक उठाती है ना वो ना उठाए, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसको थोड़ा बहुत फिट भी करेंगे। तो ये है अभी तक का ब्लॉक किट जो मैंने पहले ही खोल के दिखा दी है, और एक बार दोबारा और दिखा देते हैं कि इसका MRP कितना है। ठीक है, और ये हमारा पुराना ब्लॉक है, और ये रहा हमारा पिस्टन। और इसके अंदर जो पांच रिंग होते हैं, तीन नीचे दो ऊपर, ये हेल्पर रिंग बोलते हैं जो ऑयल ऊपर ना आने देते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे की साइड में जो आपको रिंग दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हेल्पर रिंग, या फिर बोल सकते हैं ऑयल के रिंग ये, क्योंकि जो ऑयल ऊपर जाता है वो यही चीज़ रोकते हैं, ये वाले रिंग जो सबसे नीचे फर्स्ट में है। फिर उसके ऊपर दो हो गए कंप्रेसर रिंग या मेन रिंग जिनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको फिट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमें गाड़ी के हिसाब से फ्रंट देखना है। दो तरीके होते हैं पिस्टन को फिट करने के, पहला कि आप ब्लॉक के अंदर पहले फिट कर दें, और दूसरा कि पहले आप क्रैंक के साथ इसको अटैच कर दें उसके बाद ऊपर से ब्लॉक को बिठाएं इसके अंदर। ये जो चीज़ होती है ये जाती है आगे की साइड में, लाइक समझ लीजिए इस तरीके से रहेगी। तो अब जो है ये फ्रंट हिस्सा सामने की साइड है, अगर इसमें नहीं भी लिखा है फ्रंट हिस्सा तो इसका एक और तरीका है जिससे आपको पता चले कि फ्रंट हिस्सा किधर रखना है, मतलब आगे की साइड कौन सा पिस्टन का हिस्सा रखना है और पीछे की साइड कौन सा। तो जो पीछे की साइड में ये बिल्कुल प्लेन है यहाँ पर, और जो आगे की साइड में होता है यहाँ पर एक खांचा नज़र आएगा आपको, देख सकते हैं ये खांचा है बिल्कुल। तो ये जो है फ्रंट की साइड में रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो फिलहाल अब दूसरी बात रही रिंग की, कि आखिर रिंग की फिटिंग किस तरीके से करनी है। तो ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया फ्रंट। इसके बाद सबसे पहले जो ये नीचे के रिंग दिख रहे हैं ना आपको, एक रिंग यहाँ नज़र आएगा और एक यहाँ पे, तो एक जो सबसे नीचे वाला है उसको रखना है इस जगह पे, और जो सबसे मतलब इसी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कर रहे हैं यहाँ पर पीछे की साइड में, मतलब एक इस साइड में एक इस साइड में। उसके बाद जो ऊपर का सेकंड वाला है ये वाला, इसको यहाँ पर रख दे रहे हैं, और दूसरा इस कोने में देखिए इधर और इधर और एक इधर निकला, मतलब कुल मिला के चारों साइड में रखने हैं, और बिल्कुल आमने सामने कभी ना रखें, क्योंकि तेल इधर साइड इस साइड से जाएगा तो इधर से ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए हमेशा क्रॉस बनाएं ऐसा वाला, ये वाला क्रॉस ऐसे दो दो, ऐसे एक दो तीन चार। तो चारों रिंग की सेटिंग हो चुकी है, अब सिंपल पिस्टन को ऊपर फिट कर देना है, यहाँ पर फिट कर देना है। रिंग फिट करने के बाद सबसे पहले हमें इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देना है, कि हम जब ब्लॉक के अंदर इसको फिट करें तो बिल्कुल स्मूथ और इजी आसानी से बैठ सकें।
अब इसके बाद इसका जो इसका लॉक होता है, लॉक को फिट कर लें। लॉक फिट हो चुका है, डबल चेक कर लें, क्रॉस चेक बोलते हैं ना कि कहीं बैठा है नहीं बैठा, तो अच्छे से घुमा के देख लें। और उसके बाद रिंग को दोबारा चेक कर लें कि जो आपने सेटिंग रखी है बिल्कुल बराबर है या नहीं है। तो अब इसको फिट करते हैं। ऊपर की साइड से दिखाओ, थोड़ा सा ऊपर की जगह से दिखाना। यहाँ से चलो सही है। इसको फिट कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि कितनी। अगर पिस्टन हम क्रैंक के अंदर पहले फिट कर लेते हैं फिर मेरे को तो नहीं लगता कि हमें ज़्यादा परेशानी लगती है। बस थोड़ा सा रिंग को समझना है और उसके बाद आराम से बिठा देना है। और बहुत ही इजी और आसानी तरीके से, जो आसानी आसानी नहीं होती है जो आसान तरीका होता है वो मेरे को यही लगता है कि इस तरीके से सबसे आसान वे में पिस्टन बैठ जाता है। और एक बार जब थोड़ा सा पिस्टन बैठ जाए ऊपर उठा के जोर से चोट मार के बैठा दें, क्योंकि जो भी पैकिंग के पास में कचरा होता है वो हट जाएगा। तो उसके बाद किक मार के देखते हैं पिस्टन काम कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो पहले पिस्टन हिल रहा था अब इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। बिल्कुल मींस बोले तो बाल बराबर भी नहीं हिल रहा है। तो अभी हमने ब्लॉक कर दिया है, फिट पैकिंग लगा दी है। अब बात आई है हेड को फिट करने की। तो एक बार दिखा देते हैं कि अंदर साइड से जो सफाई है, ये जो फेस है इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग भी जानते हैं, साफ सफाई ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो ऐसे ही चलिए फिट कर लेते हैं। और फिट जो कर रहे हैं इनका नाम है अफरोज। क्या नाम है आपका पूरा? अफरोज बाइक सर्विस लिमिटेड, भारत कंपनी, ब्रांडेड, देहरादून, दिल्ली, मुंबई, पिथौरागढ़, आगरा, फॉर होम डिस्कवरी चैनल, ज्योग्राफिक गुड, नेशनल हाईवे, क्राइम ब्रांच, दिल्ली मुंबई पुलिस, न्यू हवाई पट्टी। कुछ भी अभी रुको देख चलो मैं सब। बस पूरा नीचे नहीं बिठाएं, अब पूरा क्यों ना नीचे बिठाएं उसके लिए एक बार हमें टैबिट कवर खोलना पड़ेगा। टैबिट कवर कहाँ पर है? टैबिट कवर हाँ। अच्छा ऊपर लगाने पहले बैठा ना। हाँ कहाँ पे होता है टैबिट कवर? यहाँ पर हाँ वो होता है यहाँ पर। अच्छा तो हम एक बार टैबिट कवर खोलेंगे। अब ऐसा क्यों हाँ हेड बैठ जाए मतलब कुछ अभी कम ऐसा लग नहीं रहा आपको? ऐसे कोई चीज कम रह गई हो इसके अंदर हाँ निकालना है। कहाँ से निकाल लें आप सर? एक बार फिर से उंगली लगाइए कहाँ पे से? यहाँ से। तो अच्छा अगर इसको हम इस जगह से निकालें ऐसे पकड़ के क्या ये निकल जाएगी? अरे यार बहुत बढ़िया। तो अब हमें इसके अंदर डालने पुश रॉड। ये डालो फिर कैसे? तो मुझे एक बार जरा बताइए कि ये पुश रॉड जो है दोनों की हाइट जो है सेम है? एक बार देखिए ना आपके छोटी बड़ी हैं। हाँ छोटी बड़ी हैं सर। ठीक है तो आगे कौन सी जाएगी और पीछे कौन सी जाएगी? बड़े भैया आगे तो चलते हैं हमेशा, बड़े भैया आगे छोटे भैया पीछे। बड़ी आगे। हाँ तो एक बार फिर से नाप लीजिए कैमरे में को दिखाते हुए। बहुत बढ़िया। कौन सी है बड़ी? ये वाली है। ओके चलिए तो डालिए। नहीं अपना पूरा दिमाग लाइए कि आखिर तुम कहाँ से फिट करोगे इसको। ये नट ऊपर ही तो कुछ आया। बहुत हार्ड यार। तो यहाँ पर जो है पूरी कोशिश करो तुम डालने की। और जो आप ऊपर से डाली तो कहाँ नीचे कहाँ मिलेगी? ये कटर पे। ओके ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरी वाली किसके ऊपर जाएगी? इसके कटर पे। इसको कटर पे कटर
है फरोज भाई? हाँ कटर। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ से है ये बैठी नहीं है अभी, है ना? अब इसको कैसे बिठाओगे? अफरोज भाई दुनिया तुम्हें देख रही है। दुनिया देख तो रही है भाई साहब, लेकिन ये और तुमने जिम्मेदारी ली थी कि मैं फिट करके दिखाऊंगा। आज के टाइम में हर कोई मिस्त्री बन सकता है बुलेट का। तो अब थोड़ा सा हेड को ऊपर उठाओ, ठीक है? अब इस चीज को अगर हम ऐसे करके दबा दें, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था हैं? तो उसके लिए क्या करोगे तुम? थोड़ा हेड उठाना। ओके, बहुत सही कर रहे हो आप। बहुत सही। पता क्या, कभी कभी ऐसा लगता है कि वीडियो को देखने में ये क्या काम है यार, इतना आसान सा काम है, हम भी फिट कर देंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, है ना अफरोज भाई? नहीं दब रहे ना? हाँ, तो इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर तो उठा लो। ये कई जाम हो गया। कैसे हो गया आखिर? अभी तो तुमने अपने हाथों से नीचे डाला है, है ना? सही गई? ये हो गया? हाँ, अब नीचे को बिठा दे दीजिए उसको। ओके, तो क्या अब चिड़िया बैठ गई हैं? ओके सर। ओके, रिपोर्ट हो गई? हाँ। और नीचे की साइड से फुल टाइट है। अब इसके बीच में ना यहाँ पे को बोल्ट लगते हैं, यहाँ पे एक बार दिखा दो कैसे बोल्ट हैं ये। हाँ यही वाले बोल्ट हैं, ये चार होते हैं। अफरोज भाई आपके हाथ में कितने हैं अभी? दो हैं सर, दो। दो? हाँ। इसके अंदर कितने नंबर का चाबी बाना लगेगा? इसमें 13, 14 नंबर। 14 नंबर, बहुत सही। इनके हाथ में दो, दूसरे भी दो दे दो। अब इनके हाथ में वो चीज़ दो जिससे ये टाइट कर सकें, ये वाला नहीं दूसरा वाला दो जो इन्होंने बोला था। अफरोज भाई चारों बोल्टों को टाइट करने का जो सही तरीका है वो बताओ, दुनिया आखिर जानना चाहते कि चारों बोल्ट किस तरीके से टाइट होंगे। अगर आप अगर बोल्ट कस रहे हैं तो पहले धक्का कस लें। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप हल्का सा इसको टाइट कर लें, फिर उसके बाद में हम इस वाले नट को आमने सामने के नट कसने हैं। अच्छा, और आपकी रिपोर्ट हो जाएगी ये। बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ बढ़िया। तो ये मतलब अभी आपके चेहरे पे जो हंसी है ना, ये किस चीज़ की हंसी, पहले मुझे तो ये बताइए। मेरे चेहरे पे इसलिए हंसी है कि आज मैं मोहन भाई की शॉप में काम कर रहा हूँ और वो मुझे बता रहे हैं प्रैक्टिकली, तो मुझे बहुत। कौन सा गली? कौन सा गली? अब छोड़ो छोड़ो बोल। ठीक है, अब इनके हाथ में वो छोटे वाले दो बोल्ट, वो छोटे वाले। कौन सा वाला नट है ये? इनके हाथ में दो ना अफरोज भाई के। अफरोज भाई बताओ कहाँ पे टाइट हो गई? ये किस चीज़ के लिए अफरोज भाई? ये ब्लॉक को कसने के लिए, ताकि लीक ना हो और ये वगैरह वगैरह की चीज़ें। ठीक है, और जो आपने ऊपर अभी टाइट करे उनसे ब्लॉक किया कहीं चले जाएगा? मतलब वो इतने बड़े बड़े चार बोल्ट डाल दिए तुमने। अरे तो ये भी तो उसका ही है। अरे ये भी उसी का ही है। ठीक है, वार्तर वार्तर है नीचे वैसे ही। टोपी नट बोलते हैं इसको शायद। टोपी नट, फिर भी वार सर हेड के नीचे होनी चाहिए। इसके अंदर सील लगी रहती है। अच्छा। क्या बोलते हैं उसको आप? लैमरा पैकिंग। अच्छा पैकिंग। इनके हाथ में 10 नंबर की चाबी दो। ब्लॉक है, बढ़िया है। हाँ। आज तुम इसे अपने हाथ से स्टार्ट करोगे, दुनिया को दिखाओगे कि कोई मतलब प्रोफेशनल वाला जो मैकेनिक होता है ना वही जरूरी नहीं है, अफरोज ऑटो सर्विस भी बहुत ज़रूरी है, जो इसका यूट्यूब चैनल भी है ना। ये दुनिया के सामने बस सितारा। नहीं ये वाले नहीं है, टोपी वाले नट होंगे 12 नंबर के। ये देखिए अफरोज भाई यहाँ जमीन पे रखे हैं ये, वाशर तो जरूर नहीं है फिर इसमें। इसके लिए वाशर नहीं चाहिए होती है। ये भी 13 नंबर के होंगे? ना ये 12 नंबर के। 12 नंबर के, ठीक है। क्या 12 नंबर वाला दें अब आपके हाथ में? हाँ। ये लो 12 नंबर का दो इनके हाथ में।
अफरोज भाई इसके अंदर क्या लगेगा? ये पाइप लगेगा इसके अंदर, ऑयल वाला। देखना आपको कहीं दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है। चलो लगाओ अफरोज भाई। इसमें फूंक मारो। हाँ इसमें फूंक मारो। अफरोज भाई इससे क्या चेक किया आपने? इसमें मैंने ये चेक किया कि जो इसके अंदर कचरा होगा वो साफ हो जाएगा। हाँ। और जो अब इसमें हम फिट करेंगे तो काफी लमरकुट वाला काम करेगा इसमें। कौन सा वाला? लमरकुट। अच्छा चलो अफरोज भाई फिट करो। अफरोज भाई उल्टा लगा रहे हो? सही है। हैं? ठीक है देख लो उल्टा तो नहीं है। यहाँ वो थोड़ी क्या आएगा फिर ये? हाँ ये तो चलो इतना तो पता है कम से कम तुम्हें। अफरोज भाई ऊपर के बोल्ट भी चढ़ा लें पहले। एक काम करते हैं, अगर हम चारों बोल्ट चढ़ा देते हैं तो उसके बाद बढ़िया नहीं हो जाएगा? ये कौन कितने नंबर के बोल्ट होंगे? ये 19 नंबर के। 19 नंबर के ठीक हो गया। ये वाशर भी अंदर बाहर दोनों साइड लगेंगे? हाँ अंदर बाहर दोनों साइड। ठीक है किसका बना दो? किसके नाटे हैं? कितने गए? 21 नंबर गए। 21 नंबर गए। अफरोज भाई क्या पता पहले नीचे का टाइट कर लेते हैं। चलो हल्का हल्का सब हो जाएगा। सब हो जाएगा ना? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नहीं आऊंगा मुझे पक्का पता है इसमें। क्यों यार अगर तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो दुनिया तुम्हें दोबारा देखना चाहेगी तो तुम्हें इस चैनल पे दोबारा। अभी तुमने बंद कर दिया है। खुला है चालू है आपको दुनिया देख रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको कोई नहीं देख रहा है पर जो आपकी हरकतें हैं ना ये हरकतें समझ रहे हो वो देख रहे हैं। बस अब अफरोज भाई अब बात आई है कि कार्बोरेटर कैसे फिट होगा? हो जाएगा ना कोई दिक्कत तो नहीं? कहाँ किधर साइड से फिट करना है? ये लगा दो एक बार देखना टैबी टैबी ठीक है? अगर टैबी चेक करोगे तो कैसे चेक कर लोगे? पिस्टन टॉप है कि नहीं है? फिट तो तुमने किया है। पिस्टन टॉप है। पिस्टन टॉप है पक्का भरोसा है आपको? तभी तुमने कहाँ से ओएस का टैबी ठीक बहुत ज्यादा टाइट हो गए? मतलब तुम अगर बाइकों में चेक करते हो तो कैसे करते हो? वहाँ तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। कैसे? ये तो बहुत ही टाइट है यार। बहुत ज्यादा ही टाइट हो गए? हाँ। चलो अभी तुम्हें ढीले करने के मैं टूल ला के देता हूँ और तुम इसे ढीले करना। तो ये मैंने 10-11 की चाबी है, 12-13 की चाबी है, 12-13 की दो चाबी है और एक 11 की, 10-11 की एक और दो 12-13 की चाबी है और टैबिट रहे ये इसके अंदर है। अच्छा इनको अच्छा सी है ठीक है समझ गया ना? हाँ। है हाँ, समझ पूरा अच्छे से। हाँ बस एक बार चाबी फंस जाए ना उसके अंदर। अफरोज भाई चाबी फंसी नहीं यार इसी में तो। मतलब क्या पता कोई थोड़ा ट्रिक तो नहीं है तरीका कोई दूसरा? क्या पता पहले ऊपर की साइड फंसा के देखो। हाँ ऐसे फंसाओ। फंस रही है? नहीं फंस रही। देखो एक बार अच्छे से लगा ना चाबी। अच्छा एक बार रुको यही चाबी को अब मैं लगा के देखूँ ऐसे करके। हाँ। हैं क्या पता मेरे लगाने से लग जाए। है कोई तरीका ऐसा? लग रही है? लग रही ठीक है। अब करोगे क्या एक बार? पहले रुको बाहर निकालो एक बार। अब ये रहे टैबिट है। हाँ। तो अभी ये कैसे पता लगाओगे कि कौन सा ढीला है कौन सा टाइट है और दोनों पिस्टन टॉप है या नहीं है पहले बताओ। और एडजस्ट करोगे तो कैसे करोगे?
इसमें एक होता है चेक नेट और दोनों होते हैं ऊपर नीचे के बोल्ट। अभी तो दोनों टाइट ही है। टाइट ही है हाँ। तो एक काम करो, सबसे पहले चेक नेट ढीला करो। दूसरी 10 नंबर की चाबी बीच में लगेगी। बड़ा झाड़ है, 3-3 चाबी लेंगी इसमें। हाँ ढीला करो, टूट तो नहीं गया ना? बस ज्यादा ना, क्योंकि हमने तो खाली चेक नेट ढीले करना है। अब ऊपर वाले को टाइट, मतलब ऊपर वाले को एंटी क्लॉक, नीचे आयो क्लॉक वाइज, मतलब एक दूसरे की उल्टी दिशा में घुमाओगे। ऊपर वाले को ऐसे इधर की साइड ऐसे करके और नीचे वाले को ऐसे करके, दोनों 13 की चाबी लगा के, जैसे बोल्ट अंदर चढ़ाते नहीं किसी चीज के अंदर, उस तरीके से करिए। ऐसे ना, ऐसे में टाइट होगा या खुलेगा? ये ऐसे में ढीला हो रहा है। कैसे में करो ये? हाँ और करो ये। अच्छा उल्टी चूड़ी तो नहीं है? नहीं सीधी चूड़ी ही होती है इसके अंदर। अच्छा एक बार हल्का हल्का करके देख के कुछ देख लेना, अगर कोई फर्क पड़े तो बता देना। ऐसे जिस तरीके को आप घुमा रहे हैं ना, उस तरीके को टाइट होगा। अच्छा चूड़ियाँ सीधी होती है, कहने का मतलब तो उल्टा घुमाने पे ढीला होगा ना। आप ये समझ लीजिए कि ऊपर ये एक बोल्ट है, इसके ऊपर चूड़ियाँ बनी हुई है। अभी आप समझ रहे हैं भावना है? समझ गया समझ गया। बस थोड़ा सा चाबी फंसाने का तरीका अलग होगा है। हाँ यार चाबी, बस थोड़ा आप सीख गए हैं। अब एक बार क्या पता टैबिट हिला के देख लो, क्या पता ज़्यादा ढीला तो नहीं हो गया? नहीं खुला ही नहीं है अभी वो। देखो एक बार, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ से पढ़ के घुमा के देखना, उंगली से घूम रहे नहीं घूम रहे? अरे चलो एक काम करूँ, इसे मैं कर दूँ? रुको घूम रहे घूम रहे। चाबी नहीं लग रही यार, मनवाई नहीं लग रही है ना। एक बार इसे काम करता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। तो अफरोज भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे ये ढीले करने का सही तरीका क्या है, ठीक है? ठीक है। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड में चाबी ऐसे फंसा देनी है, ठीक है? और नीचे वाले को देखो, नीचे से देखो। हाँ और यहाँ से देखिए आराम से बिल्कुल इस तरीके से ये ढीला हो रहा है। ओके हो रहा है क्या आपको दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? अफरोज भाई सही कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या होगा, ये ढीला होगा है ना, सही कह रहा हूँ? ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये टेस्ट सेट कर देता हूँ, उसके बाद फिर दिखा देते हैं ना, क्योंकि इसका स्पेशल वीडियो दुनिया को दिखाएंगे हम कि आगे टैबिट कैसे एडजस्ट करेगा। तो अफरोज भाई हाँ तो बोलो। हाँ सर हाँ, दुनिया सुनना चाहते कहीं तुम भाग तो नहीं गए? ठीक है यही हो ना? हाँ तो टैबिट एडजस्ट कर दिए तुम्हारे सामने ना। हाँ। और देखो टैबिट एडजस्ट करने के बाद ये फ्री घूमनी चाहिए उंगली से, जैसे ये घूम रहा है आगे का और पीछे का, और इसके अंदर ये वाली चाल नहीं होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी है। मैं फिर भी लोगों को बता रहा हूँ कि इसके अंदर ऊपर नीचे की चाल नहीं होनी चाहिए और ये फ्री भी घूमने चाहिए। अगर ये फ्री नहीं घूमेंगे तो वॉल टाइट हो जाएंगे, और वॉल टाइट होंगे प्रेशर नहीं आएगा, स्टार्टिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसी वजह से फ्री घूमने चाहिए और ऊपर नीचे की चाल नहीं होनी चाहिए। तो करो अफरोज भाई, चालू करो गाड़ी को, स्टार्ट करो। कैसे तो कैसा लगा तुम्हें आज?
कौन तो है नहीं। चलो क्या भाई बताओ ना। मुझे कई अच्छा लगा मोनू भाई के साथ काम करने में। और फिर फिर मुझे बहुत अच्छा लगा मोनू भाई के साथ काम करने में। बहुत टैलेंटेड इंसान है मोनू भाई। नहीं ये बताओ तुमने क्या सीखा आज। अच्छा मैंने काफी कुछ सीखा इसमें। कार्बोरेटर कैसे फिट होता है और जो इसका ढंग बोलो बोलो बोलो। तो मतलब काफी मजा आया। किसी को सिखाने में जो मजा आता है ना रियल बताओ वो एक्सपीरियंस ना वो चीजें याद दिलाता है कि जब तुम खुद सीख रहे थे तब तुम कितने ज्यादा मतलब डर हुए थे सहमे थे कि तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तुम्हारे अंदर है या नहीं है। तो वही चीज मैं लोगों का दूर करने की कोशिश करता हूँ और अपने माध्यम से कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ सीखने के लिए मिले। तो ये वीडियो आपको रियली में पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो शेयर कर दो और अपनी राय कमेंट में लिखो यार। अपनों का कैसे लगे थे मतलब दिल में आशिक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद वंदे मातरम।